छात्रावास में नहीं मिला छात्रों को खाना तो सड़कों में थाली बजाते पहुंचे कलेक्ट्रेट। अधिकारियों ने दिया समस्याओं के निराकरण का आश्वासन। सुबह से भूखे बैठे रहे छात्र। आपको बता दें कि आज सुबह से खाना नहीं मिलने के बाद शासकीय अनुसूचित महाविद्यालयीन बालक क्रमांक 1 और 2 के छात्रों के द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए थालियां बजाते हुए छात्रावास से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि आज उन्हें छात्रावास में भोजन ही नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। छात्रावास में रहने वाले छात्र सुधाकर साकेत ने बताया कि आज शासकीय अनुसूचित महाविद्यालय बालक क्रमांक 1 और 2 के छात्रों को भोजन नहीं दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने छात्रावास से थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि छात्रावास की हालत खस्ता है, जहां साफ सफाई, रहने, खेलने सहित अन्य संसाधनों को लेकर निरंतर समस्याएं बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन लोगों के द्वारा कई बार अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी है और अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। छात्रों ने बताया कि आज जब उन्हें खाने को नहीं मिला तो वे अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय आ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी है। छात्रों की समस्या सुनते हुए संयुक्त कलेक्टर संजीव शुक्ला ने कहा कि छात्रों के द्वारा भोजन न मिलने सहित अन्य समस्याओं के संबंध में बताया गया है, जिसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। वहीं मौके पर जाकर पूरे मामले की जाँच करेंगे और जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। प्रस्तुत है छात्र सुधाकर साकेत सहित संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। सुधाकर साकेत नाम है माननीय महोदय। मैं शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास क्रमांक 1 से और क्रमांक 2 से आए हुए हमारे सभी छात्र हैं। सर, छात्रावास में आए दिन कोई न कोई समस्याएं व्याप्त रहती हैं, लेकिन आज हमारे सभी छात्रों को खाना नहीं मिला है, जिसके संबंध में हम लोग यहां आए हैं और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमें उचित निर्धारित समय अनुसार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिले, जिससे छात्रों को पठन पाठन में कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सर, जिसके निराकरण के लिए और जिसके निरीक्षण के लिए यहाँ से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, लेकिन आज तक उन समस्याओं का, उन व्यवधानों का कोई निराकरण नहीं निकला। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये छात्रावास के भीड़ आई हुई है, जो छात्रावास छात्र जो भूखे हुए हैं। अगर छात्रावास में व्याप्त परेशानियों का, व्याप्त व्यवधानों का निराकरण हो गया होता तो ये छात्रों को थाली लेकर सड़कों में नहीं उतरना पड़ता। ये इनका क्या ट्राइबल हॉस्टल है ना? SC हॉस्टल हैं 2 यहाँ पे। उसमें वहाँ के कुछ बच्चे आए हुए थे, उनकी कुछ समस्या थी। कोई उन्होंने सामग्री 5,000 के कुछ खेल का सामान खरीदा है, उसमें से कुछ सब स्टैंडर्ड था, तो अभी DO साहब को बता दिया है, वो जा करके और संबंधित जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो उसको चेंज कराएंगे या जैसा भी है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक दो चीज़ें और हैं, हेल्थ चेकअप को लेकर के और खाने को लेकर भी शिकायतें थी, तो संबंधित सुपरवाइज़र को और इनको बोल दिया है, तो वो उसका निराकरण करेंगे। छोटा सा इशू निरा बनी रहती है, हॉस्टल के लोग लड़के आते हैं, कई बार रात में धरना प्रदर्शन किया, रोक तो नहीं लग पा रहा निराकरण? नहीं, अभी मैंने सामने ही अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को बोला है, अगर वो नहीं सुधार करते हैं, DO साहब भी जाएंगे, बैठ करके रिजॉल्व करेंगे इशू बच्चों के बीच, नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी।